मीडिया की ज्यादातर डिबेट्स में हमें बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ही दिखाई देते हैं। उनकी और विपक्षी नेताओं के बीच एक बहस भी देखने को मिलती है। आज कुछ उनकी ही वीडियोस देखते हैं। न्यूज 18 की डिबेट में विपक्षी नेता अनुराग भदौरिया ने हिंदुत्व और हिंदू के मुद्दे पर संबित पात्रा को घेर लिया और एक सवाल किया जिसका संबित ठीक से जवाब ना दे पाए। अरे वो आप फर्जी शिवभक्त हो। अच्छा चला आरती सुनाइए, शिव जी की आरती सुनाइए जो वहाँ पे होती है। कितनी बार आरती होती है वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर में? आरती कितनी बार होती है? कितनी बार आरती होती है वहाँ पे? वो आरती सुना दी जो आरती वहाँ पढ़ी जाती है। ठीक है, जवाब संबित पात्रा दे देंगे। चलिए शुरू। नहीं नहीं करिए करिए, चलिए नहीं करिए। शिव जी की आरती होती है वहाँ पे काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर में। तो आप बोलिए, हम भी आंख बंद करके सुनना चाहते हैं। शांत हो जाइए, चिल्लाना बंद करें तो मैं अभी इनको जवाब देता हूं। हाँ, और कितनी बार आरती होती है बोलिए? कितनी बार होती है? अमित भाई, अमित भाई इनको साइड रखो, ये चिल्लाना बंद करो जरा। मैं उसका ये शांति से बैठे मैं जवाब देता हूँ। अमित भाई, ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं ना आप, शिव जी की आरती गाइए तभी मैं आपको हिंदू मानूंगा। बताइए कितना शिवलिंग है तभी मैं आपको हिंदू मानूंगा। इन कापुरुषों में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी मुसलमान से कह दे जरा नमाज पढ़ के दिखाना, डिबेट के पीछे नमाज पढ़ के दिखाना तभी मैं जानूंगा कि तुम मुसलमान हो। न्यूज 24 की एक डिबेट में संबित पात्रा ने नवाब मलिक पर तीखा वार किया जिसके जवाब में नवाब मलिक ने संबित पात्रा की ही क्लास लगा दी। आखिरी विदाई समारोह में कम से कम प्रेम सद्भावना होती, इस तरह का भाषण आपका नजर नहीं आया। संबित पात्रा, इतनी बड़ी एनसीपी जो कहती है महागठबंधन है राहुल गांधी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो आप सोच सकते होंगे किस प्रकार की मीठी मीठी बातें आपस में कर। मुझे लग रहा है की आप मुझे लग रहा है संबित पात्रा जी आप डॉक्टर है, मैं कंप्लीट कर, दिमाग से दिवालिया है आप। हाँ, मुझे लगता है आपको ले जाना पड़ेगा आगरा के अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए। पर्सनल नहीं सर, पागल आदमी है कि डॉक्टर है? अरे मुझे लगता है इस पगलेट को कहाँ लाके बिठाते हो सर? प्लीज हम बोल पूछे पगला सुन कुछ और रहा है, ले जाओ आगरा के अस्पताल में। पर्सनल नहीं सर, कैसे बात कर रहे हैं? राजनीतिक बात करिए ना, उनकी पार्टी उनकी सरकार के बारे में बोलिए, कैसी बात कर रहे हैं सर प्लीज। संबित पात्रा, ये लोग तो मरवा देते हैं दूसरों को, मैंने तो केवल बात की है इनका। अरे पगलेट भाई, पगलेट भाई, ओ पगलेट जी, अरे नवाब मलिक साहब इतने सीनियर नेता है सर। न्यूज 24 की एक डिबेट में संबित पात्रा ने आचार्य प्रमोद पर एक टिप्पणी की और उनकी पार्टी पर निशाना भी साधा, जिस पर आचार्य प्रमोद ने संबित पात्रा को करारा जवाब दिया। ठीक है, अब सुनिए मानक भाई, अब मेरी जवाब सुनिए। इन्होंने कहा कि एक आर्टिकल था, आर्टिकल को कोट किया, इसलिए शशि थरूर की गलती नहीं है। आप जानते हैं चार्ली हेब्डो में बहुत मुसलमान धर्म के लिए और अल्लाह के लिए बड़ा खराब उन्होंने कार्टून बनाया। हिम्मत है इस आचार्य में या हिम्मत है शशि थरूर में कि उस कार्टून को पात्रा झूठ के पुलंदा हो आप? अभी ढोंगी और पाखंडी हैं आप। अभी हिम्मत की बात करते हैं, आप में हिम्मत है? आप 10 दिन पहले इसी डिबेट में कह रहे थे दिसंबर से पहले मंदिर बनाएगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारी फेंक दिया। अरे 4.5 साल में सुप्रीम कोर्ट का 4.5 साल तक आपने क्या किया? समित पात्रा, हिम्मत की आवश्यकता भी नहीं है। डॉक्टर पात्रा 4.5 साल तक क्या किया? हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का ठेका ले रखा है। जो मंदिर जाए उसको तो कहते हो हिंदू नहीं, और जो मस्जिद जाए वो सबसे बड़े हिंदू? अरे कैसी बात करते हो मानक जी, मैं बोल सकता हूँ। कैसे बोल सकते हो आपने? अरे इन्होंने अभी कहा हिम्मत है इस आचार्य में, इनकी हैसियत क्या है बोलने की? आपने बोला कैसे इस आचार्य में? ठीक है, मेरी हैसियत नहीं, मैं आपने बोला कैसे? जवाब दीजिएगा, हम आपको संबित पात्रा जी कहते हैं, आप बदतमीजी की बात करते हैं। न्यूज 18 की डिबेट में संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जिसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता संबित पात्रा और उनकी पार्टी की आलोचना करनी शुरू की। जब संबित ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब ऐसा करने में वह नाकाम रहे। आरती की थाली लाओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने छीनने का दुस्साहस किया लेकिन उनको नहीं दिया आरती की थाली लाओ। मैं सिर्फ 4 प्रश्न करना चाहता हूं गांधी परिवार की आरती करूंगा। तुम क्या जानोगे त्याग और बलिदान की विरासत को? तुम तो दो धन्ना देखो तो पूजने में, पूंजीपतियों को पूजने में सब कुछ दिया है, ब्रह्मांड बनाया है नेहरू जी, कहते हो कि 100 वर्ष बाद हमने करा है। अरे उस अन्नपूर्णा ग्रह बनाया है राजीव गांधी ने, होती है शुक्र ग्रह बनाया है राहुल गांधी ने, में किसानों में जिसको रोंद कर मार डाला तुम्हारे मंत्रियों ने और जिसको प्रशय तुम्हारे प्रधानमंत्री डायलॉग बाजी करते हैं ना ये लोग, जिसको होने वाला है वो सैटेलाइट लॉन्च नहीं होगा। आप बताइए उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया? देश के में 3rd नंबर की 37.69% आबादी गरीबी रेखा के नीचे कर दी। 28 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिसमें 74% से लेकर 40% जवाब दे दीजिए। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए। आप संबित पात्रा के इन डिबेट्स पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे भी ऐसे ही देखते रहिए पंजाब टुडे। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.